गाइस गोवा पहुंच गए हैं। सुना पाना है बैकपैक की नहीं आई हमको, ठीक है पहले फ्रेश होंगे फिर मिलते हैं रूम में। फिलहाल वेटिंग आउटसाइड, रूम की कीज़ वगैरह मिलेंगी उसके बाद। वैसे ये था वेटिंग लाउंज, बढ़िया हो चुका है, फुल फुल फुल। सारा लगेज यहाँ पे पड़ा हुआ, रूम जो मिल चुका है और इस टाइम हम रिसेप्शन में आ चुके हैं। लेट मी शो यू, ये सिटिंग एरिया, ये हमारा रूम है 401, ये है कार्ड। हाय, नाइस, ये रूम होने वाला और एसी, टीवी, लेट मी शो यू। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, अभी सबसे पहले नहाना है पहले, और वॉशरूम दिखाता हूँ। दिस इज द वॉशरूम ऑफ माय रूम। अब थोड़े से पहले फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद आगे मिलते हैं, बताते हैं क्या प्लान रहेगा गोवा का और स्टे कनेक्टेड। सो गाइस डे वन इन गोवा, नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं और फिलहाल मन कर रहा है कि मुझे यहाँ पर लेट जाओ। सो फिलहाल के लिए लाइक ये आउटफिट है, आई विल शो यू द फुल आउटफिट। And this is the look for Goa day one. So, बटुआ ले लिया हमने अपना और निकलेंगे फिलहाल। पहले तो कुछ खाएंगे यार, भूख बहुत ज़्यादा गंदे वाली लग रही है। खा पी के उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाना है, एंड जो भी होगा गोवा एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस टाइम। सो गर्मी लेकिन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, रूम में एसी चला हुआ वो भी 16 पे फरवरी के महीने में, कांट बिलीव दैट थिंग। बट गर्मी सीरियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अपने उधर बिल्कुल भी ऐसा मौसम नहीं था। तो निकलते हैं फिलहाल, फ्रेंड्स जो वो वेट कर रहे हैं, कॉल आ चुकी है एंड वी आर ऑल्सो रेडी टू गो। तो भाई बाहर जाने के लिए ये जो है राइड हमारी, ठीक है, इसको हमने बुक किया है फॉर 3 डेज। ये हमारा ग्रुप है लाइक जो फ्रेंड्स साथ में है, तो ये रहेगी हमारी पूरी राइड पे साथ में, ठीक है। इसका जो रेंट था वो है पर डे 500, ठीक है। फ्यूल जो है वो आपको अपने आप करना पड़ेगा, बट द थिंग इज़ कि लाइक अगर आप ज़्यादा गाड़ियाँ लेते हो, ज़्यादा लाइक एक्टिवास लेते हो, स्कूटर्स लेते हो रेंट पे, तो उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो यू कैन जस्ट आस्क देम फॉर डिस्काउंट, ओके। एक एंट्रेंस है विला की और लाइक इट्स अ नाइस लोकेशन, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। हमारा जो रूम है वो है इधर इधर वाली साइड। सो चलते हैं, वेट कर रहे हैं अभी तो लोगों का, हरियाली देखो तब तक। सारे आ चुके हैं एंड दिस इज सीरत, इसका भी यूट्यूब पे चैनल है। तो और हमारे साथ एक छोटा सा बेबी भी जा रहा है जो कि, तो ये सारे बंदे आज जाएंगे वो एक्सप्लोर करेंगे हमारे साथ। निकाल लिए हेलमेट, रेडी टू गो। भाई खाना खाने के लिए रुक गए हैं, पहले तो ग्रीनरी चेक करो, यहाँ पे कोकोनट के ट्रीज और बहुत सारे हैं। सो दिस इज अ प्लेस वी विल गोइंग टू हैव आवर फूड, और जो छोटा सा मेहमान है वो भी उठ चुका है। हेलो हेलो, हंस दे, आए हाय। सो गाइस यहाँ पे खाना आ चुका है, दिस इज पनीर, बटर वाले नान, रोटियाँ, चिकन और बहुत कुछ, ठीक है। अभी भूख लग रही है, ये गया प्लेट में, ठीक है, सारे खा रहे हैं और मैं तुम्हारे को दिखा रहा हूँ मेरे को भी भूख लग रही है। ये दाल है इन पंजाबी स्टाइल, तो खाना शुरू करते हैं।
रहेंगे ऑन आवर नेक्स्ट लोकेशन. सो गाइस दिस वाज द सेकंड लोकेशन. इट्स अ विक्टर बीच. और भाई देख रहे हो नजारे, देख रहे हो awesome. ओह हाय गाइस ये था व्यू ऑफ सनसेट ऑन बीच. अभी निकल रहे हैं हम घर को लाइक होटल की तरफ. घर तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, 300 किलोमीटर. और होटल जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड देन वी विल सी दैट व्हाट इज आवर नेक्स्ट प्लान. अगर ब्लॉग खत्म करना हुआ तो मैं कर दूँगा ब्लॉग खत्म. अगर कहीं जाना हुआ तो जरूर मैं दिखाऊंगा. और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. सी यू लेटर.